हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू मेक व्हाइट सॉस पास्ता। ये इतनी आसान और डिलीशियस रेसिपी है कि इसे आप घर पे ट्राई किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में आधा लीटर पानी ले और गैस के फ्लेम को ऑन रखें। अब इसमें आधी चम्मच तेल और नमक डालकर पानी गर्म होने दें। इसके बाद इसमें एक कटोरी पास्ता डालें और चलाकर 5 मिनट तक उबलने दें। पाँच मिनट हो जाने के बाद इसे चम्मच से काट कर देख लें। अगर ये आसानी से कट रहा है तो समझ लें कि हमारी पास्ता उबल चुकी है। अब इसे छान कर अलग रख दें। अब व्हाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन में 2 चम्मच बटर लें। अब इसमें 1 चम्मच मैदा डालकर 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 कप दूध डालें और इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। ऐसा करते हुए आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। हमारी व्हाइट सॉस गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें काली मिर्च और नमक डालकर मिला लें। हमारी व्हाइट सॉस तैयार हो गई। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालकर गर्म होने दें। अब इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, गाजर और हरी बीन्स डालकर 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लें। सब्जियां फ्राई हो जाने के बाद इसमें व्हाइट सॉस डालकर इसे अच्छी तरीके से मिला लें। अब इसमें आधी कटोरी दूध डालकर एक बार और मिला लें। अब इसमें उबली हुई पास्ता डालें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च डालकर मिला लें। सबसे आखिर में इसमें 1 या 2 चीज़ क्यूब्स ग्रेट कर लें। ये ऑप्शनल है, इसे आप नहीं भी रख सकते हैं। अब सभी चीज़ों को मिला लें। लीजिए, हमारी डिलीशियस व्हाइट सॉस पास्ता रेडी हो चुकी है। सर्व करने के लिए इसे एक प्लेट में निकाल लें और ग्रेटेड चीज़ से गार्निश कर लें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें।